इसके लीफ बिल्कुल डाउन हो गए। अगर पौधे में पानी की कमी होगी तो पत्ते बता देते हैं आदमी को कि भाई देखिए मेरे को अभी पानी की ज़रूरत है, तब उसको पानी देना। नमस्कार दोस्तों, मैं रतनलाल यादव और आप देख रहे हैं RL गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज फरवरी में काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, काफ़ी दिनों से सर्दी ने बहुत भारी प्रकोप कर रखा था, तो आज धूप निकलने से मैंने अपने इंडोर प्लांट्स को बाहर निकाल रहा हूँ और आज उसके ऊपर मिस्टिंग करूँगा और उनमें कुछ पानी दूंगा, क्योंकि विंटर में ज़्यादा पानी तो देते नहीं है, तो कुछ प्लांट मेरे को ज़्यादा उनको पानी की ज़रूरत लग रही है, तो उसमें पानी भी दूंगा, मिस्टिंग करूंगा और हमारे आपको उसका अपडेट दिखाऊंगा कितने अच्छे अच्छे उसमें फ्लावर्स भी आए हुए हैं। एंथूरियम वगैरह में तो विंटर में फ्लावर भी नहीं आते हैं, उसमें फ्लावर भी आए हुए हैं। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों ये मेरे सर्दियों में ये जो मैंने प्लांट अपने अंदर रख रखे थे, जितने भी इंडोर प्लांट हैं इनको मैंने अच्छे से बिल्कुल बचाया है। इनकी सर्दियों में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, तो इसमें ज़्यादा पानी भी मैंने नहीं डाला। देखिए आप कई कई प्लांट तो बिल्कुल ये सूखे हुए हैं, आज इनके पत्ते लटक रहे, तो मैंने सोचा आज मौसम साफ़ है इनकी थोड़ा मिस्टिंग कर देता हूँ और इनमें कुछ पानी दे देता हूँ। तो ये एक दो घंटा धूप में रखेंगे, उसके बाद ये रात को फिर अंदर कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों मिस्टिंग कर रहा हूँ इन पर सभी पे, और कितने चमकदार पौधे हैं, किसी तरह की कोई किसी पर कोई बीमारी, कोई फंगस, कोई सर्दी का प्रकोप कुछ भी नहीं है। तो इस तरह अगर आप भी अपने प्लांट्स को सेव करेंगे, छत के नीचे रखेंगे विंटर के इन सीजनों में, तो आपको बार बार नया पौधा, इतना महंगा पौधा खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आते भी बहुत महंगे और इनको बच्चों से भी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। अब जैसे ही मौसम बदल रहा है इस दौरान में हल्की गर्मी में रखना है। तो ये देखिए आज मैंने अच्छे से मिस्टिंग कर दिया, कितने अच्छे, लोग बोलते हैं विंटर के अंदर नए लीफ भी नहीं आते, डोरमेंसी में चला जाते हैं, हमारे पौधे को अभी तक कुछ ही नहीं पता कि विंटर आया था या समर चल रहा है, बिल्कुल किसी तरह का फर्क नहीं पड़ा इन पे। फूल भी आए हैं एंथूरियम पे, देखिए देखिए एंथूरियम के फ्लावर कितने अच्छे आ रहे हैं विंटर में, ये आ रहा है नया, इसके बाद ये नीचे नया लीफ के साथ आ रहा है। ये बिरकिन का कितना अच्छा प्लांट है, ये मैंने थोड़ा लेट लिया था, इसलिए इस बार मैं अभी फरवरी में ट्रांसप्लांट करूंगा, क्योंकि विंटर में कटता था शौक में चला जाता है। तो ये एग्लोनिमा का जो वैलेंटाइन का है, इसमें पानी की शॉर्टेज चल रही है, इसलिए इसके लीफ बिल्कुल डाउन हो गए। अगर पौधे में पानी की कमी होगी तो पत्ते बता देते हैं आदमी को कि भाई देखिए मेरे को अभी पानी की ज़रूरत है, तब उसको पानी देना। ये रबर प्लांट पूरे अच्छे से चल रहे हैं सभी के साथ, और ये अपना फिलोडेंड्रन रेड कांगो का है, इसके भी दो दो तीन तीन लीफ आ चुके हैं, ये दूसरा इसी का दूसरा प्लांट है रेड कांगो का, इसमें भी अलग अलग ब्रांचेस नीचे से पफ निकल रहे हैं, सब पे नए नए लीफ आई हुई है। यहाँ पे देख लीजिए एग्लोनिमा रेड लिपस्टिक, ये थोड़ा सा ज़्यादा मानता है, इस विंटर में थोड़ी सी इसको स्पेशल केयर करनी पड़ती है, फिर भी हमने इसको बिल्कुल अच्छे से बचा लिया है। अब ये इनमें नए नए पत्ते आ जाएंगे, अभी फरवरी में सारे पत्ते नए नए आएंगे, फरवरी और मार्च में खूब अच्छे से दिखाएंगे, इनका मन भी खुश हो जाएगा, लीफ भी चमक जाएगी सब तरह से, तो अब कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं इसको 10-15 दिन बाद हल्का सा न्यूट्रिएंट्स दूंगा, मैंने विंटर में कोई न्यूट्रिएंट्स तो बिल्कुल नहीं दिया है, क्योंकि डोरमेंट से मानता हूँ तो मैंने नहीं दिया। अभी इसमें सब के अंदर अच्छे से मैंने वाटरिंग भी कर दिया है और मिस्टिंग भी कर दिया। आप देखिए कितने साफ चमक रहे हैं मेरे पत्ते। तो दोस्तों देखिए अच्छे से मिस्टिंग हो गई है, प्लांट हमारे बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं, और अब एक दो घंटा इसको धूप में रखेंगे, शाम के टाइम फिर इनको शेड के अंदर कर देंगे। दो चार बोलते हैं कि जब भी सर्दी आती है तो प्लांट्स को उस टाइम ज़्यादा खतरा रहता है, या फिर सर्दी जाने वाली मौसम बदलते टाइम ही पौधों पर ज़्यादा अटैक होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया है अपने जितने भी एक्जोटिक प्लांट्स हैं, इनकी आपको सारी पोजीशन आपको सामने दिखाई है, फ्लावर फ्रूट सब बढ़िया से आए हुए हैं, नई पत्ती आई हुई है, तो आप भी अगर चाहते हैं तो इसी तरह आप भी अपने प्लांट्स को अपने घर में लगाइए, और इस सीज़न में थोड़ा सा शेड इनको दे दें, क्योंकि आगे गर्मियों में आपको ये खुश कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की जानकारी इतनी ही, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ, धन्यवाद, जय हिंद।